हाय फ्रेंड्स, मैं आ रहा हूं आज आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक लेते हुए 11th क्लास के लिए। बेसिकली जो कॉमर्स है इसमें जो अकाउंटिंग है इसमें मैंने आपको डिस्कशन किया था डेफिनेशंस को, उसके लिमिटेशंस को, प्रोसेस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्चुअली यहां से हमारे पास एक न्यूमेरिकल सिस्टम स्टार्ट होता है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो। तो इससे पिछले जो हमारा लेक्चर था, पिछली वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। तो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से नियर अबाउट 3 प्रिंसिपल्स यहां भी यूज हो रहे हैं। एक तो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और एक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और तीसरा है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये 3 कंसेप्ट हमारे पास यहां इस्तेमाल होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, तो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, दैट मींस कि दैट इज द बैलेंस्ड। जैसे आपने सिंपल सिस्टम में कहीं तराजू को देखा होगा, तराजू को कैसे बराबर किया जाएगा? यदि मैं 1 तरफ 1 किलो का बटन लगाऊंगा, दूसरा कोई सामान करूं, तो 1 किलो करने के लिए मुझे कंप्लीट करना होगा। यदि इधर ज्यादा करना है तो इधर भी ज्यादा करना होगा। इधर ज्यादा हो गया लेकिन इक्वल करना है हमें, अगर इधर ज्यादा है तो इधर भी ज्यादा करना होगा, इधर कम है तो इधर भी कम करना होगा। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन को यदि आपको पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक सिस्टम के थ्रू समझाता हूं। ये मेरे पास है एसेट्स और ये इक्वल टू है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। यानी कि यहां पर हम इसको बैलेंस्ड करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। क्योंकि एक न्यूमेरिकल पॉइंट है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा डिस्कशन हम करें। हम कुछ टॉपिक्स हैं जो इसको कवर करते हुए जिससे कि पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझ सकें, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को कवर करते हुए लेंगे। तो एक तो मैंने बताया था आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी में मेजर्ड है। दूसरा बराबर करना है, हमारे पास इक्वल टू का जो साइन है इसका मतलब ही ये है कि जितनी असेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटी भी है, उतनी ही लायबिलिटी भी है। हमें बैलेंस करते हुए चलना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो इक्वल टू के इधर और इधर बिल्कुल बराबर करना है। अब बराबर करने का तरीका क्या हो सकता है कि यदि मैं इस साइड कुछ प्लस करूं तो इधर भी कुछ प्लस कर दूं तब भी बराबर होगा, मैं इधर कुछ माइनस कर दूं तो इधर भी माइनस कर दूं तब भी बराबर होगा। आपको लगातार ध्यान देना है, इधर मैंने जैसे 2 टर्म्स ली, इधर 1 टर्म्स ली, मीनिंग वही है। ये इक्वल टू के साइन के इधर, इक्वल टू के साइन के इधर मैं जितनी अमाउंट प्लस करूंगा उतनी ही अमाउंट मैं इस इक्वल टू के इधर प्लस करूंगा तब ये बराबर होगा। जितनी अमाउंट में इस इक्वल टू के इधर माइनस करूंगा उतनी ही अमाउंट में इधर माइनस करूंगा, चाहे किसी में भी करूं, वो मैं एनालिसिस करके समझाऊंगा। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना इक्वल टू के इधर प्लस होगा उतना ही इक्वल टू के इधर प्लस होगा जब ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होगा। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू। अगर वो एक तरफ प्लस है तो दूसरे तरफ दूसरी पार्टी भी प्लस हो रहा होगा। यदि एक ही तरफ देखेंगे या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि ये एक ही तरफ प्लस हो और एक ही तरफ माइनस हो। ध्यान देना है, जितनी अमाउंट में असेट्स में प्लस करूं उतनी ही अमाउंट असेट से माइनस भी करूं तभी ये बराबर होगा, या फिर जितनी अमाउंट में लायबिलिटी साइड प्लस करूं किसी भी टर्म में उतनी ही अमाउंट में उसमें से माइनस भी करूं तो ये दोनों तरफ का टोटल हमेशा बराबर ही रहेगा। तो यहां मैं पहले आपको थोड़ा सा 2-3 पॉइंटों से समझाता हूं। जैसे सपोज करो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो इधर मेरे पास कैश आएगा 1 लाख रुपए का, और इधर क्योंकि 1 लाख रुपए मालिक ने दिए हैं तो ऑनर के अकाउंट में 1 लाख रुपए प्लस जाएंगे। देख लीजिए इक्वल टू दोनों साइड बराबर है। यदि मैं कहता हूं कि मैंने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा तो 20,000 रुपए का गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास 20,000 रुपए की असेट्स बढ़ जाएगी। तो उसी सेंस में
20,000 रुपए का कैश भी कम हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान दें, अब भी ये टोटल इक्वल ही है इधर साइड भी और इधर साइड भी। तो यहां पर जब भी हम कोई इक्वेशन को पूरा करेंगे, क्वेश्चन को पूरा करेंगे, तो हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें उसका बैलेंस लेना होता है। हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें उसका बैलेंस लेना होता है, पहचानना होगा कि कौन कौन सी असेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी हैं और क्या क्या कैपिटल है। तो यहां पर कुछ चीजों को आपको समझना है, मैं आपको पहले बता दूं फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो कैपिटल है, कैपिटल ऑनर फंड है, मालिकों का पैसा, यानी कि जितना पैसा ऑनर फंड में लगा रहा है। इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में एड हो जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब माइनस हो जाएंगे, जितने भी लॉस होंगे वो सब माइनस हो जाएंगे, जितनी भी ड्रॉइंग ऑनर करेगा, यानी कि यदि ऑनर कुछ भी मनी या गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उतना पैसा उसके अकाउंट में से कम हो जाएगा। तो यहां पर एक टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा सेपरेट एंटिटी। तो जो हमने प्रिंसिपल्स बताए थे उनका सबका इस्तेमाल है हमारे पास अकाउंट में धीरे धीरे, तो मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूं कि ये सब प्रिंसिपल किसको कवर कर रहा है। देख रहे हैं कि कैपिटल में ऑनर ने कुछ विड्रॉ किया तो भी हमने रिकॉर्ड किया, यदि ऑनर कुछ और पैसा लगाता है, यदि ऑनर बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस करता है यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसकी जो कैपिटल है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, यानी हर ट्रांजेक्शन को हमें यहां पर रिकॉर्ड करना है। तो देख सकते हैं आपकी कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्सपेंसेस है तो माइनस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग है तो माइनस हो जाएगी और एडिशनल कैपिटल लगाया है तो प्लस हो जाएगा। इस चीज को बार बार आप ध्यान दे लेना और इसे आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट करें, तभी मेरे इस लेक्चर को आप पूरी तरह समझ पाएंगे। अब मैं इसके बाद इसको एनालिसिस करके समझाता हूं कि यदि हम इसको क्लासिफाई करें एक बड़े क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा कि कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ चीजें दे रहा हूं, कवर करते हुए लिख दे रहा हूं कि ये जो पूरी इक्वेशन है मेरे पास, एक तरफ हमने लिया है असेट्स को, एक तरफ हमने लिया है एसेट्स को। तो असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे कैश हो सकता है, अलग से बैंक हो सकता है, जनरली कैश और बैंक के लिए हम एक ही कॉलम बना लेते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बढ़िया तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैश बैंक जनरली एक ट्रांजेक्शन और हो सकता है और वो है स्टॉक। स्टॉक जब जब हम गुड्स को खरीदेंगे तब तब स्टॉक बढ़ जाएगा, जब जब स्टॉक को बेचेंगे तब तब स्टॉक कम हो जाएगा, चाहे हम उधार बेचें चाहे हम नगद में बेचें, यानी कैश बेचें या क्रेडिट बेचें, ऐसे ही खरीदने पर स्टॉक बढ़ जाएगा, चाहे हम कैश में खरीदें चाहे हम उधार खरीदें। तो यहां पर आपको बारीकी से कुछ टर्म्स का ध्यान देना है कि असेट साइड में क्या क्या टर्म हो सकती हैं, यानी कि ये बेस्ड करेंगे हमारे क्वेश्चन पर कि उस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या क्या टर्म्स पूछी जा रही हैं। यहां मैं मैक्सिमम टर्म्स को आपके साथ ले रहा हूं जिससे कि हम इसको समझ सकें। तो देखिए मैंने कैश ले लिया, बैंक ले लिया, स्टॉक ले लिया, इसके अलावा एक असेट मैंने और ले ली जिसका नाम है डेटर। डेटर आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेटर वो कस्टमर हैं जिन्हें हमने उधार में गुड्स को सेल किया है, यानी कि गुड्स तो हमने बेच दिया लेकिन इसका जो पैसा है वो नियर फ्यूचर में हमारे पास आएगा। तो यानी कि ये हो गए हमारे डेटर, यानी कि बिजनेस में जो जनरली यूज होने वाली टर्म्स है मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं, कैश बैंक स्टॉक डेटर। डेटर जैसा ही एक टर्म और होती है बिल्स रिसीवेबल, जिसका डिस्कशन के लिए हम एक पूरा चैप्टर आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल मेन टॉपिक जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं कैश बैंक स्टॉक डेटर, इसके अलावा कोई अदर असेट्स हो सकती है, अदर फिक्स्ड असेट्स,
अगर फिक्स्ड असेट्स का ले लिए, इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इस तरह की कोई भी असेट्स। अब हर एक के लिए अलग अलग कॉलम में नहीं बना सकता, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की असेट्स खरीदी जा सकती है। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो असेट्स खरीदी जाए आप यहां उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि यदि आपने कुछ ऐसे पेमेंट कर दिए हैं जो अभी आपको नहीं करने दे, लेकिन कुछ वर्क कराने के लिए आपने उन्हें एडवांस में ले लिया है, तो खर्चे नहीं हुए हमारे, एक्सपेंसेस तब होंगे जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, तो उन्हें कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारे लिए असेट्स होती है। यानी कि अगर हम छोटी छोटी बातों का लगातार ध्यान देते चले जाएंगे तो हमें अकाउंट बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ तो हम आपको समझ में ना आ रही हो, उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहना, तो मैं आपको सारी बातें दोबारा से मेंशन कर दूंगा, और कोई समस्या आएगी तो मैं और नई वीडियो बनाकर आपको सारी बातें समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मैक्सिमम असेट्स को ले रहा हूं जो इस्तेमाल हो सकती है एक क्वेश्चन में। इसके अलावा इसमें हो सकती है एक अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं ले सकता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली, अर्न तो कर ली यानी कमा तो लिया, लेकिन वो मुझे अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, मुझे नहीं मिली है अभी तक, प्राप्त नहीं हुई है, तो वो भी अक्रूड इनकम। तो मैंने सारी असेट्स ले ली नॉर्मली जो इस्तेमाल होती है, अब मैं ले रहा हूं लायबिलिटी। लायबिलिटी में जनरली हमारे पास होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बिल्कुल डेटर्स के अपोजिट होते हैं, डेटर्स के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि डेटर्स हमारे कस्टमर हैं जिन्हें हमने उधार गुड्स बेचा हुआ है, जिसका पैसा वो हमें नियर फ्यूचर में देंगे। सेम क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हमने उधार यानी क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया हुआ है, जिसका पेमेंट हम नियर फ्यूचर में करेंगे, तो क्रेडिटर हो गया। इसी तरह से बीपी, जैसे यहाँ बीआर है वैसे ही यहाँ बीपी है। इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा अपने आप में बड़ा चैप्टर है, जिसको डिस्कशन करने के बाद ही हम ज्यादा समझ पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया हो, कहीं से आप लोन लेते हैं तो वो उसमें हो जाएगा। इसके अलावा इसमें है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास है कैपिटल, तो कैपिटल इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कैपिटल। देखिए टर्म्स तो इसमें बहुत भी और भी हो सकती हैं, तो कैपिटल इसमें अब हमें जोड़नी है कैपिटल, कैपिटल जिसको हम डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल अब यहां देखें असेट्स में हमारे पास है कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, अदर फिक्स असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इधर मैंने लिया है क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। तो कैपिटल क्या है इसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये हमारे पास तो कैपिटल को मैं यहां नहीं आ रहा प्रॉपर, तो मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं आपको कैपिटल, कैपिटल तो इधर ही लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें इक्वल करना है, इक्वल टू का साइन है हमारे पास, ध्यान से देखना है कि इक्वल टू है, इधर की वैल्यूज और इधर की सभी वैल्यूज ये हमारे पास सेम होनी चाहिए। हम यहां पर ही हमें कैपिटल को लेना होगा, तो मैं कैपिटल आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब तो कैपिटल को कवर कर लीजिए, आ जाए तो कैपिटल, कैपिटल क्योंकि कैपिटल को कवर करना बहुत जरूरी है, इसमें कैपिटल आ जाए हमारे पास, तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सप्लेन करता चला जाता हूं, क्योंकि ये मेरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है इसलिए हम तेजी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए ऑनर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने यदि कोई बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए इसी के थ्रू सारा अकाउंट चलेगा वाले का, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, यानी कि हो सकता है ऑनर ने एग्जाम्पल ले रहे कि 50,000 रुपए कैश, 25,000 रुपए अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया और टोटल 75,000 ऑनर ने हमें लगाए, तो 75,000 हमारे यहाँ कैपिटल में प्लस हो गए। देखिए बिल्कुल इसी से
सेंस में इक्वल टू करना है, इधर बराबर हुआ उधर बराबर हुआ, टोटल बराबर हो गया। इसी सीक्वेंस में आपको बार बार नीचे तक चलते चले जाना है। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको इसका टोटल लेना होता है, जिसे हम बैलेंस कहते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद, मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस लेकर समझा दूं, लेकिन यहां आप इसे समझिए कि यदि ऑनर ने 50,000 कैश लगाए, 25,000 का अपना बैंक अकाउंट बिजनेस में ट्रांसफर करा, तो 75,000 टोटल बिजनेस में लगाए, तो 75,000 रुपए मालिक के अकाउंट में हमने ऐड किए हैं, यानी टोटल दोनों साइड से बराबर है। अब दोनों साइड से बराबर करने के लिए मैंने साफ कहा था इधर प्लस तो इधर भी प्लस, या फिर इधर माइनस तो इधर भी माइनस, या फिर इसी साइड प्लस और इसी साइड माइनस, ये ध्यान देना। एक ही साइड प्लस और माइनस है या फिर दोनों साइड प्लस है या दोनों साइड माइनस है, इसको बार बार ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को लेते हुए चलते हैं। सपोज करो हमने गुड्स खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स, हमने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो इतने ही पैसे का हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, इतने ही पैसे का हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो उतने ही पैसे का कैश हमारे अकाउंट से कम हो जाएगा। देख सकते हैं फिर टोटल बराबर है, 20 हमने ऐड किए हैं, 20 हमने माइनस किए हैं। सपोज कीजिए 10,000 का बुक्स हमने और खरीदा, लेकिन इस बार उधार खरीदा, तो हमारा जो स्टॉक है वो 10,000 रुपए और बढ़ गया। क्या बढ़ गया, स्टॉक 10,000 रुपए बढ़ गया, लेकिन पैसा तो गया ही नहीं। तो जब पैसा नहीं गया और स्टॉक हमारा आया, तो इतने ही पैसे के इधर लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ना यदि इधर प्लस तो फिर इधर भी प्लस, तो यहां हमने 10 प्लस करे तो यहां भी हमने 10 प्लस कर दिए, जबकि पहले हमने 20 स्टॉक में प्लस किए तो 20 कैश में से माइनस कर दिए, जितना प्लस उतना ही माइनस, या दोनों तरफ प्लस, ठीक है। इसी तरह से हम गुड्स को सेल कर सकते हैं, सेल। अब यदि हम गुड्स को सेल करते हैं तो यहां स्टॉक में से एक अमाउंट आपको सेल करनी है। सपोज करो इसमें से मैंने एक 10,000 रुपए वाला गुड्स 20,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 का गुड्स बेचूंगा तो यहां से 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा। और कितना बेचा मैंने, चलो 12 मान लेते, 12,000 रुपए में मैंने उसे बेचा। अब अगर 12,000 में बेचा तो स्टॉक 10 का कम हुआ, लेकिन कैश मेरे पास आएंगे 12। अब ध्यान दीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन में कि कैश में तो आए 12 क्योंकि मैंने गुड्स बेचा 12 का, लेकिन वो स्टॉक की कीमत थी 10,000 रुपए, तो स्टॉक में से कम होंगे 10,000 रुपए। तो दोनों के कंडीशन में आप समझिए कि 2,000 रुपए असेट साइड में ज्यादा है, तो 2,000 रुपए ही मुझे लायबिलिटी साइड में लाने होंगे और ये मुझे लेके जाने हैं कैपिटल में। क्यों ले जाना है कैपिटल में, क्योंकि यहां 10 के गुड्स को 12 में सेल करने के कारण मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यदि आपने शुरू से वीडियो दिखा हो तो मैंने बताया था आपको कि सारे प्रॉफिट्स यहां इंक्लूड कर लेंगे। तो इस गुड्स को हम उधार में भी बेच सकते हैं, किसे बेच सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं। सपोज करो हमने कुछ गुड्स और बेचा, हमने इस बार इसमें से हमारे पास जो गुड्स था उस गुड्स में से हमने 5,000 वाला गुड्स 7,000 में बेच दिया, तो 7,000 में बेच दिया तो स्टॉक तो कितने का कम होगा, 5,000 का, क्योंकि हमने स्टॉक तो 5 का बेचा है, लेकिन पैसे कितने आएंगे, 7, लेकिन पैसे आएंगे ही नहीं क्योंकि हमने तो बेचा है उधार, तो हमारे पास 7,000 रुपए के डेटर बढ़ जाएंगे। तो 5 की असेट्स कम हुई, 7 की असेट्स बढ़ गई, समस्या फिर वही है कि 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि ये असेट साइड 2,000 रुपए से ज्यादा है, तो हम भी 2,000 रुपए इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये दोनों प्रॉफिट्स की टर्म्स हमने यहां पर आकर प्लस कर दी है, दोनों की प्रॉफिट्स यहां पर आकर मेरे प्लस हो गए हैं। तो गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, उधार भी बेच दिया, नगद भी खरीदी, बेच दिया और ऐसे ही खरीदने पर। अब इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस के बारे में लेते हैं। एक्सपेंसेस में सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, इंश्योरेंस है, कोई भी खर्चा अगर आप करेंगे तो यहां से हमारा जो कैश या बैंक इसमें से वो अमाउंट कम हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपने रेंट दिया, अगर आप रेंट पे कुछ भी पे करते जाइए, यहाँ कैश में से उतने पैसे कम हो गए, रेंट में से रेंट पे किया कैश कम हो गया, आपका सैलरी दी 1,000 रुपए की तो सैलरी दी तो कैश कम हो गया, तो 3,000 रुपए कम हो गए। मैंने कहा जितने भी खर्चे होंगे उतनी ही अमाउंट मैं यहाँ कैपिटल से माइनस करता रहूंगा। माइनस 2,000 का रेंट दिया, माइनस 1,000 रुपीज का जो सैलरी अभी दिया था मैंने, देखना चेक कर लो रेंट सैलरी, जो भी आप खर्च करते रहेंगे उतने ही पैसे आपके कैपिटल में से इधर माइनस होते रहेंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसिव है और इधर आपके कैश में से कम हो सकते हैं।
हो सकता है चेक दिया हो आपने, हो सकता है कुछ खरीदने के लिए आपने चेक दे दिया। सपोज करो आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का और उसके लिए आपने चेक दिया, तो चेक दिया तो आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। ये देखिए आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कम हो गए। इतनी ही अमाउंट की फिक्स असेट्स, मैंने फिक्स असेट्स बताई थी आपको कि कोई भी असेट से खाली नहीं है, चाहे वो मशीन खरीदूं, चाहे वो फर्नीचर खरीदूं, चाहे वो लैंड खरीदूं, चाहे वो बिल्डिंग खरीदूं, तो इतने ही पैसे की मेरे पास एक असेट्स क्रिएट हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे वीडियो को, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ 10,000 रुपए का एक असेट्स खरीदी है, फिक्स असेट्स, तो 10,000 की खरीदी तो 10,000 मेरे बैंक अकाउंट से कम हो गए क्योंकि मैंने उसके लिए चेक दिया, कैश नहीं दिया। चेक कैश देगा तो कैश में से कम हो जाता और अगर उधार खरीदता तो मेरे यहाँ क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो जाता। तो मेरे हिसाब से काफी तो बात क्लियर हो गई। एक होता है वर्ड डेप्रिसिएशन, तो यदि ये असेट्स है धीरे धीरे घिसती हैं, मान लो 10% घिस गई तो 1,000 रुपए की असेट्स ये घिस जाएगी और ये असेट्स मेरी 9,000 रुपए रह जाएगी इन फ्यूचर। अगर ऐसा होता है तो ये मेरा लॉस हुआ और इतना ही लॉस मैं यहाँ अपनी कैपिटल में से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन लिखकर। यानी कि मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको इसका बैलेंस लेना है और चेक करना है कि असेट साइड की सारी चीजों का टोटल लायबिलिटी साइड की सारी चीजें यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपके लिए एक लेंथी सा प्रोसेस यानी कि हर ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेंथी भी है और मैं इसका बैलेंस नहीं ले सकता हूं। मैच देखिए इसके अंदर अभी हमने डेप्रिसिएशन लगाया, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई रेंट पे किया, रेंट पे किया तो रेंट जो पे किया वो 2 महीने का एडवांस दे दिया। अब तो जो एडवांस दे दिया वो खर्चा नहीं है। तो देखिए मेरे पास सपोज करते हैं हमने अपने लैंडलॉर्ड को 2,000 रुपए का एडवांस रेंट दिया, तो 2,000 रुपए का रेंट दिया और ये मान लेते हैं इसको चेक से दिया, इससे दिया चेक से दिया, तो 2,000 रुपए का जो अमाउंट आपने चेक से दिया 2,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए यानी कि असेट साइड से कम हो गए। तो अब मुझे दूसरी अमाउंट चाहिए, दूसरी अमाउंट क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, यदि मैं ये रेंट अपना मंथली पे करता तो ये एक्सपेंसेस होगा, कैपिटल से माइनस हो जाता, लेकिन फिलहाल ये मेरे लिए असेट्स ट्रीट हुई और ये कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि 2,000 रुपए मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह से ट्रीट होंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार कि मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं, प्रीपेड का होगा आउटस्टैंडिंग का और ले लेते हैं। सपोज करो कोई चीज जैसे सैलरी है, हमने 11 महीने की दी लेकिन 1 महीने की रह गई, तो जो 11 महीने की सैलरी देंगे ठीक है वो तो होगा मेरा एक्सपेंसेस यानी कैपिटल से माइनस, यानी 11 जो हम जितने महीने की सैलरी है एक्चुअली पूरे मंथ में ठीक है वो होना चाहिए मेरे पास। अब आपने सैलरी दी 11 महीने की, देनी थी 12 महीने, तो ध्यान देना कैपिटल में पूरी 12 महीने की सैलरी ही आएगी। कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? पूरे 12 महीने का, क्योंकि खर्चा है पूरे 12 महीने का और आपने पे किए हैं 11 महीने के। तो सपोज कीजिए कि सैलरी कितनी हुई, सॉरी सैलरी वेजेस कुछ भी ले लीजिए, सैलरी या वेजेस, तो सैलरी 12,000 रुपए लेकिन आपने कितने पे किए? आपने पे किए केवल 11,000 रुपए। तो यहां मैं हल्की सी लाइन खींच के आपको थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश की है, लाइन एक्चुअल में खींचते नहीं है कि मैं आपको केवल बताने के लिए लाइन खींच रहा हूं कि इस तरह कंफ्यूजन ना हो आपको। तो 11,000 रुपए आपने सैलरी के दिए लेकिन 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,000 बैठते हैं, तो खर्चा तो 12,000 रुपए, तो जो भी आपने पे किया वो तो आपके कैश में से माइनस हो गया लेकिन एक्सपेंसिव हुआ 12,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए अब हमारे पास आ जाएंगे। यहां ये जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वो खर्चा है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, यानी कि कुछ टर्म्स के बारे में आप सीख सकते हैं आसानी से कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हो तो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए अभी लायबिलिटी बची हुई है जिसका आप नियर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते चलेंगे। अब जैसे बैंक से हम कुछ पैसा विड्रॉ कर लें या कुछ पैसा कैश में से निकालकर बैंक में डाल लें, तो कुछ पैसा कैश में से निकालकर बैंक में डालेंगे तो कैश में से कम हो जाएगा, बैंक में रह जाएगा, ऐसे ही विड्रॉ करेंगे
माइनस हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। भाई पैसा कहीं गया भाई, तो कैश में से बैंक में जाएगा, बैंक में से कैश में आ जाएगा, लेकिन बाकी ट्रांजेक्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहां पर कोई लॉस हो रहा है ना ही यहां पर कोई प्रॉफिट हो रहा है। बस यहां पर ध्यान देने की बात है कि यदि ओनर अपने घर के लिए विड्रॉ कर लेता है, ओनर यानी मालिक यदि अपने लिए विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश में से विड्रॉ करे, चाहे वो बैंक में से विड्रॉ करे, या फिर कुछ गुड्स विड्रॉ करे, तीनों ही कंडीशन में अमाउंट वो कम हो जाएगी। मान लो कैश विड्रॉ किया तो कैश कम हो जाएगा, बैंक में से विड्रॉ किया तो बैंक कम हो जाएगा, स्टॉक में से विड्रॉ किया तो स्टॉक कम हो जाएगा, और तीनों ही कंडीशन में मालिक की कैपिटल में से कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कुछ स्टॉक लिया तो जितना स्टॉक कम होगा उतनी ही आपकी कैपिटल कम होगी, ड्रॉइंग कर लिया आपने, जितना आपने बैंक में से पैसा निकाला उतना ही आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, जितना पैसा आपने कैश में से निकाला उतना ही पैसा आपकी कैपिटल में से कम हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं लगातार ट्रांजेक्शन, कैश में से कम, कैपिटल में से कम, बैंक में से कम तो कैपिटल में से कम, स्टॉक में से कम तो कैपिटल में से कम। क्या कम? यदि ये चीजें मालिक निकालकर यानी ओनर बिजनेस का अपने लिए निकालकर ले जाता है तो, अदरवाइज नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको बात समझें, ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब दोनों ही चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं, केवल कैपिटल इफेक्टेड होगी इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 100 रुपीज है तो कैपिटल में 100 ही प्लस होंगे, 100 ही माइनस होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 50 है तो 50 ही प्लस होगी, 50 ही माइनस होगी। ऐसा क्यों? काफी टेक्निकल पॉइंट है, काफी तरीके से समझना होगा, क्योंकि यदि इंटरेस्ट लगाया मालिक की कैपिटल पर तो मालिक को तो 100 रुपीज का फायदा हो जाएगा लेकिन बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस को लॉस हुआ तो कैपिटल माइनस होगी, और मालिक को फायदा हुआ कैपिटल प्लस होगी, सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों ही कंडीशन में हमारी जो कैपिटल है उसी में से अमाउंट प्लस होगी, उसी में से अमाउंट माइनस होगी। तो कभी कभी स्टूडेंट ये कहते हैं सब सेम अमाउंट तो माइनस करनी है, सेम अमाउंट प्लस करनी है, तो इसको करने की जरूरत क्या? नहीं नहीं, तो फिर तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। ट्रांजेक्शन हुई है, आपको रिकॉर्ड करनी ही होगी। देखिए अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई गुड्स लॉस हो जाए तो स्टॉक कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। यानी किसी भी कंडीशन में कुछ भी नुकसान होता है तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या होता है बार बार हर कैपिटल को पकड़ लेते हैं। कैपिटल पर तभी इफेक्ट होगा जब या तो एक्सपेंसेस हो, या लॉस हो, या ड्रॉइंग्स हो, या प्रॉफिट हो। तो आप पहले कंसीडर करना कि क्या यहां कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई गुड्स खरीदना है तो उससे कोई नुकसान या प्रॉफिट नहीं है। उतने कंडीशनों में तो केवल स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, सेल करोगे स्टॉक कम हो जाएगा, खरीदोगे स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश में खरीदोगे कैश कम हो जाएगा, चेक से खरीदोगे बैंक में से कम हो जाएगा, उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, उधार बेचोगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, नगद में बेचोगे कैश बढ़ जाएगा, चेक से बेचोगे तो बैंक बढ़ जाएगा। यानी कि सारी की सारी कंडीशन आपकी सेम टू सेम हो जाएंगी, कहीं भी आपको कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें हम जितनी मैक्सिमम पॉइंट्स थे मैंने लेने की कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कतें हैं, तो फिर हम इसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको अगले वीडियो में और ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहे।